बिलासपुर के मनोरम गोविंद सागर झील के तट पर स्थित कैफे लेक व्यू में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकारों में आंकड़ों का मायाजाल बिछाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह भाजपा ने खूब लूट मचाई है। विकास के नाम पर करोड़ों खर्च करने के दावे करने के बाद भी ना तो यहाँ के लोगों की आर्थिकी सुधरी है और ना ही यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पुत्र की सिफारिश पर एम्स में सिक्योरिटी गार्ड रखे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस अस्थायी नौकरी के लिए नोएडा में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। पार्टी की ओर से सदर विधानसभा में अपनी दावेदारी ठोक चुके संदीप सांख्या ने अपने जन अभियान को शुरू करने की घोषणा की। अपनी चुनावी रणनीति के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने दावेदारी जताई है, मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी रहा हूं। परसों मैंने ऑनलाइन इस पे अप्लाई किया है जो पार्टी ने दी थी, एंड आई वुड थैंक टू द एपेक्स लेवल जो पार्टी हाईकमान है और जो प्रदेश के हमारे अध्यक्षा जी हैं, उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो है कोई भी कार्यकर्ता कोई भी पदाधिकारी इसको अप्लाई कर सकता है। तो मैंने अपना कैंडिडेट आई ऑफर माई कैंडिडेटचर टू द पार्टी हाईकमान इन शिमला, उनको किया है और डेफिनेटली पार्टी विल टेक अ थिंक ऑन दिस और पार्टी इसके ऊपर जो भी फैसला लेगी और जो पार्टी जो भी ड्यूटी या जिम्मेदारी निभाएगी वो करेगी। रही बात सदर विधानसभा क्षेत्र की बात, मैं चाहता हूं कि सदर विधानसभा क्षेत्र जो है वो एक अच्छी गवर्नेंस यहां पे चले और यहां पे एम्प्लॉयमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा इशू है और बिलासपुर वैसे भी विस्थापितों का शहर है और यहां पे एनटीपीसी की अपनी प्रॉब्लम है, एसीसी की अपनी प्रॉब्लम है, अपना सीमेंट कारखानों जो और हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, विस्थापितों की अपनी प्रॉब्लम है और एक अच्छी गवर्नेंस मैं चाहता हूं कि बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो और एक फियरलेस सोसाइटी जो है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर मैंने अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने चरित्र को लेकर, अपनी हर चीज़ को ट्रांसपेरेंटली लेकर मैंने अपनी दावेदारी वहाँ पे पेश की है। यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है? जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है तो मैं कहता हूँ इसमें हमारे जो अभी तक जो एक्सपेक्टेड है 13,000 से ज्यादा, 13,500 के आसपास जो है करोड़, 13,500 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे निवेश हुआ है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वर्ष 2013 से चल रहे हैं और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो कांग्रेस की सरकार के समय से चल रहे हैं, जैसे एम्स है या कुछ और है, अपना 4 लेन का प्रोजेक्ट है ना, और जैसे रेलवे का है इसकी भी रूपरेखा भी माननीय वीरभद्र सिंह जी के समय पे तय हुई थी। एनटीपीसी और एनएचपीसी की कोलैबोरेशन से हमारा बंदला हाइड्रो कॉलेज बना और उसके बाद जो एक नीचे एक सांडू के मैदान में जो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो मंदिरों को रिहैबिलिटेशन लेके, तो मैं बोलता हूँ अगर बिलासपुर के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निवेश यहाँ पे हुआ है तो बिलासपुर में आज भी 30,000 से लेकर 35,000 के आसपास जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, क्योंकि बाहर से आउटसोर्सिंग पे सारा काम हो रहा है, बाहरी कंपनियां यहाँ कर रही हैं, हमारे ठेकेदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे व्यवसायियों के साथ उनको फायदा नहीं मिल रहा है और हमारे जो यहाँ पे युवा है उनको वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इन मुद्दों को लेके, मुद्दों के आधारित और आंकड़ों को आधारित लेके जो है वो हम राजनीति करना चाहते हैं, ये हमने वो पोस्टर जो है वो लॉन्च किया है इसको। थैंक यू। आपका फैसला के लिए बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।